नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। करनाल में भाजपा की ओर से चुनाव प्रबंधन 2019 विधानसभा विषय पर एक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से भाजपा से जुड़े एडवोकेट एवं भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर वरिष्ठ वकील दीपक मनचंदा ने भाजपा के आए हुए सभी कार्यकर्ता व एडवोकेट को विधानसभा चुनाव प्रबंधन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हरियाणा भाजपा के महामंत्री चौधरी वेदपाल, करनाल जिला के अध्यक्ष जगमोहन आनंद, मार्केट कमेटी करनाल के चेयरमैन जयपाल शर्मा, बाल कल्याण समिति के चेयरमैन उमेश चांदना, शमशेर नैन के अलावा पूरे प्रदेश से आए वकीलों ने इस अधिवेशन में भाग लिया। जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके चलते आज एडवोकेट की मीटिंग ली गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जिस तरह प्रदेश में चहुमुखी विकास किया गया है, उसी आधार पर प्रदेश में 75 से भी ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को प्रदेश का मुखिया बनाया जाएगा। यह अधिवेशन पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, जो 2 दिन तक चलेंगे। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड़ में आ चुकी है और अपने विभिन्न भाजपा से जुड़े महिला संगठन, सोशल मीडिया संगठन एवं वकीलों से जुड़े संगठन, छात्र संगठन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कार्य में जुटे हुए हैं। देखिए कार्यालय में हुए एक कार्यक्रम की विशेष रिपोर्ट। इसके बारे में बताइए। चुनाव प्रबंधन को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, चुनावों की जो बारीकियां हैं उनको अपना डिस्कस करने के लिए आज प्रदेश भर से विधि आयोग के वकील अपना जो साथी है वो इकट्ठे हुए हैं। और करनाल के अंदर आज ये सौभाग्य मिला है वकीलों की आवाभगत करने का, और सभी हमारे जो लॉयर्स हैं, वकील भाई हैं, आज चुनाव प्रबंधन के अपने गुर लेकर के जाएंगे। आदरणीय वेदपाल जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी है और प्रदेश के महामंत्री भी है, और साथ में अपना दीपक मनचंदा जी जो अपना वरिष्ठ वकील हैं, वो सब गाइडलाइंस यहाँ पर वकीलों को बता रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़े सुचारू रूप से चुनाव प्रबंधन के लिए अपना जानी जाती है, तो आज सभी जो हमारा ये लॉयर्स का प्रकोष्ठ है ये चुनाव प्रबंधन में अपना इस प्रकार की एक दिवसीय कार्यशाला स्थानीय गोल्डन वुमेंस होटल में आज उस पर चुनाव प्रबंधन समिति की जो बैठक थी आज हमारे, उसमें मेन ये था कि हमारी पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान की तारीख जो 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक दी हुई है, उसमें हमारे जो शक्ति केंद्र प्रमुख है वो जो हर बूथ पर जा रहे हैं, बूथ प्रमुख जो पर पन्ना प्रमुख तक जा रहे हैं, घर घर जो हमारी सामग्री है, जो हमारा प्रचार है, हर घर में हमारा जाना कार्य। और आज 14 और 15 तारीख को 2 दिन में विशेष रूप से जनसंपर्क अभियान चलाना, आज मीटिंग भी की थी, और वैसे भी हमारे जितने भी शक्ति केंद्र प्रमुख हैं हमारे सभी कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख तक लगे हुए हैं और हर घर घर में जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, उनका प्रचार और प्रसार करना, लोगों को जान, क्योंकि बहुत से लोगों को उससे जानकारियाँ नहीं होती, कोई देहात के अंदर बैठे हैं, तो उस सामग्री के माध्यम से उनके घरों में ये जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से मनोहर लाल जी ने साफ नीयत से बिना किसी भेदभाव के सारे हरियाणा के अंदर एक समान विकास किए हैं। और जैसे पहले क्षेत्रवाद की राजनीति होती थी, जो मुख्यमंत्री रोहतक के विकास हो जाए, सारगम हिसार के विकास हो जाते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जितने करनाल के अंदर विकास कार्य किए उतने ही विकास कार्य हर क्षेत्र में किए, हर विधानसभा में किए, चाहे वहाँ बीजेपी का कोई MLA है या नहीं है। ये प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है और उसमें लगभग 225 जो हमारे अधिवक्ता बंधु वकील हैं, और उसके साथ जो प्रबंधन करेंगे चुनाव से, चुनाव योग की क्या दिशा निर्देश है, उनका कैसे पालन करना है, कोड ऑफ कंडक्ट अच्छी तरह से लागू करके किस प्रकार चुनाव संपन्न हो, इस प्रकार के एक प्रबंधन रहता है, और वो प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी अच्छे से करती है ताकि चुनाव आयोग का सम्मान हो। इसी सिलसिले में आज ये पूरे प्रदेश की कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई, उसमें केंद्र से माननीय पार्टी से है, सोनी जी, और यहाँ पर इनको समझाया गया कि कैसे किस प्रकार आपको कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना है, उसको देखते हुए क्या क्या उसके नॉर्म है, उन सभी को आपने लागू मानते हुए, लागू करते हुए चुनाव को संपन्न करना है।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।